हरता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। शीला तो देर से ना क्यों बढ़ रही है? जलधारा का सामना तो कर लिया मैंने, किंतु इस शीला रूपी संकट को कैसे रोकूं? ये क्रूर दानव ऐसे रुकने वाला तो नहीं, अवश्य इसके मन में कोई और विचार है। जयन, गणेश जी, गणेश जी। तुम अपने प्रभु के सबसे बड़े भक्त हो ना, तो अपने प्रभु का प्रचार करोगे ना? मेरे प्रभु, उनकी महानता का प्रचार तो परम उद्देश्य परम धर्म है। मैं ये संदेश सभी तक पहुंचाऊंगा जो मेरे प्रभु है और सिर सम्राट सिंहरापद में। तुम्हें ले जाऊं या ना ले जाऊं, दोनों ही अवस्था में मैं प्रभु के कार्य में असफल रहा हूं। अब मैं किस मुख से उनके सामने जाऊंगा? अब मेरे सामने तो बस एक ही मार्ग, मैं यही अपने प्राण त्याग दूं। सच्चे भक्त हो ना तुम अपने प्रभु के? दूध बन के आए थे जयंत को लेने, तो ले जाओ इसे, या अपनी भक्ति का प्रमाण दो। और जो कहा है वो करके दिखाओ, त्याग दो अपने प्राण। हमें भी तो ज्ञात हो कितने बड़े भक्त हो तुम अपने प्रभु के। मुझे आत्मदाह के लिए उकसा रहे हो तुम सभी, क्योंकि मेरा अंत चाहते हो तुम, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं, प्राण खोने का कष्ट भी नहीं। कष्ट तो बस इतना है कि मैं अपने प्रभु के कार्य को संपन्न नहीं कर सका। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी कार्तिक, क्षमा कर दीजिए, मैं आपके कार्य में विफल हो गया। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मैं इस जलधारा को अब रोकने में असमर्थ हो गई हूँ। स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय।
सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। तुम नहीं समझ सके दानव, भीतर घात प्राण घातक होता है। वो देखिए, वो त्रिशूल। ये त्रिशूल तो उस राक्षस के शरीर से निकल रहा है। अर्थात विघ्नहर्ता गणेश जी इस दानव रूपी विघ्न का भी अंत कर रहे हैं। प्रभु की शक्ति के निरंतर प्रमाण पाने पर भी अपना अहंकार और अपनी माया का त्याग नहीं किया तुमने, तो तुम अब दया के भी पात्र हो और दंड के भी। इसीलिए प्रभु को युद्ध करने आना ही होगा। यहाँ हमारी अगली भेंट अब युद्ध भूमि में ही होगी। अगली भेंट की कल्पना मत करो, ये तो तब होगा जब तुम यहां से जा पाओगे। सैनिकों बंदी बना लो इनको। मुझे क्या करना है मैं समझ गया प्रभु। उन्हें पकड़ने का प्रयास करो। ये तो सब भस्म कर देगा, संपूर्ण भवन अग्नि में स्वाहा हो जाएगी। कोई बुझाओ इस अग्नि को, रोको इस दुष्ट को। यहाँ अब हम पर किसी का ध्यान नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। माँ मुझे ज्ञात है, ये आपकी ही कृपा है जिसके कारण मैं सफल हो सकी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत प्रसन्न हूँ
क्योंकि पुत्री देवसेना ने प्रमाणित कर दिया कि उसकी भक्ति और निष्ठा सच्ची है और संकट काल में अपने भाई पति की रक्षा में अडिग रहकर उसने दर्शा दिया है कि वो पुत्र कार्तिकेय की अर्धांगिनी बनने के लिए संयुक्त है। तो उसे भी भस्म कर दूं मैं। नहीं, ये उचित नहीं किया गणेश और उस कार्तिकेय दूत ने। वर प्रथम इस अग्नि को बुझाऊंगी मैं, फिर उन्हें दंड देने का उपाय करूंगी। देखो, असुर माता ने यह संकट टाल दिया, अग्नि बुझ गई, हम सब सुरक्षित हैं। अब भागने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु कहाँ गए वो? कैसे निकल सकते हैं यहाँ से? यहाँ से निकले हैं, महेंद्रपुरी से नहीं निकलने चाहिए। चिंतित ना हो दादी माँ, वे अधिक दूर नहीं गए होंगे। वे मार्ग में कहीं भी हो, मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लूंगा। रुक जाओ, ढूंढने में समय व्यर्थ मत गवाओ। ये लो, ये अस्त्र तुम्हें उन तक पहुंचा देगा और फिर तुम वध भी कर सकोगे। उस कार्तिकेय को भी ज्ञात होना चाहिए कि हमारी अनुमति के बिना महेंद्रपुरी से कोई बचकर नहीं जा सकता। बस उसका विचार कर धरती पर चोट करने की देर है और तब तुम बिना विलंब किए उनके निकट पहुंच जाओगे। नाम गणेश जी। प्रभु, अब हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए। प्रभु, आप प्रस्थान कर रहे हैं? मैं जयंत को आपके साथ सुरक्षित देखने यहाँ चली आई। इसे देखकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई। आपने रक्षा कर ली जयंत की। जीवित नहीं लौटने दूंगा तुम्हें। प्रभु, आप इसकी चिंता मत कीजिए, यह दुष्ट जयंत का स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। स्वामी, मेरा सफल होना आपकी ही कृपा का फल है। ठीक तो हम तो ये सोचकर चिंतित थे कहीं तुम्हारे कारण देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अपना संयम न खो दे, कहीं उनका ध्यान न भटक जाए। हाँ पुत्री, किंतु तुमने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए तैयार थी आप, उनकी तपस्या को भंग होने से बचाने के लिए। हाँ पुत्री, और तुम भी सुरक्षित हो, और इस परीक्षा के परिणाम को देखकर मैं अत्यंत आनंदित हूँ। देशनम, भाभी माँ अचानक मूर्ख
मूर्छित क्यों हो गए देवराज? चिंता मत करो पुत्र जयंत, ये स्थिति अब शीघ्र ही ठीक हो जाएगी और तुम हमारे साथ लौट जाओगे। किंतु प्रभु गणेश जी, मैं ऐसे लौटना नहीं चाहता, मैं ऐसे लौटना नहीं चाहता। जयंत, तुम चिंता मत करो, कोई भी आहत नहीं होगा, तुम निश्चिंत हो, हमारे साथ चल सकते हो। किंतु मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ, मेरे होते हुए जहाँ कर भी जयंत, तो क्या तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता, और यदि यहाँ से कोई जाएगा तो उसका शव जाएगा, उसके लिए अपने प्राण गंवाने होंगे तुम सभी को। इतना आत्मविश्वास, आश्चर्य है। कोई तो कारण है जो अकेला होने पर भी ये तनिक भी चिंतित नहीं। माता, मुझे जाने दीजिए, सुदमुखम वहां उन देवताओं के सामने अकेला है। नहीं सिंहमुखन, ना ही वो अकेला है और ना ही तुम्हें जाने की आवश्यकता है। असुरों का पूरा समूह है इसके साथ। सावधान, असुरों की विशाल सैन्य टुकड़ी लेकर आया है ये। कहाँ गणेश जी, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अग्निदेव, हम उन अदृश्य असुरों से चारों ओर से घिरे हुए हैं। मायावी है वो, केवल दिव्य दृष्टि से ही इन्हें देख पाना संभव है। मायावी शक्तियां छल प्रपंच पर कितना भी भ्रम क्यों ना फैलाएं, सच्चे भक्त की आस्था उन्हें टिकने नहीं देती। तुम मेरे अस्त्रों को अदृश्य कर सकते हो, किंतु मेरी भुजाओं के बल को नहीं, मेरे प्रभु के कार्य के प्रति मेरी निष्ठा को नहीं। ओम सुब्रह्मण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये संभव नहीं। तुम दूसरों ने उसका वध कर दिया, उसके साथ गए असुर सेना का भी नाश कर दिया।